हरे कृष्णा भगवान की परम प्रिय लीला स्थलियों में से यह एक सुंदर लीला स्थली कुसुम सरोवर, जिसकी छत्र छाया में आज हम विराजे हैं। कुसुम सरोवर अर्थात फूलों का सरोवर। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि कुसुम सरोवर के चारों ओर नाना तरह के, ना केवल नाना तरह के, नाना सुगंध के फूल विराजमान हैं। और इसी कुसुम सरोवर पे हमारे प्रिय श्री कृष्ण और राधा रानी उनकी लीला करने के लिए नित्य आते थे। जैसा कि हम जानते हैं, कुसुम सरोवर अर्थात नाना तरह के फूलों का सरोवर, तो इसी सरोवर पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बालों में फूलों की माला अर्थात गजरा बनाते थे अपने हाथों से, और अपने करकमलों से बनाया हुआ वह गजरा हमारी किशोरी जी बड़ी प्रेम से परिधान करती थी। इसी सरोवर के निकट प्रतिदिन किशोरी जी और उनकी अनेक अनेक गोपियाँ सखियाँ फूलों का चयन करने आते हैं आज भी। उद्धव जी को जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में भेजा था, भगवान तो मथुरा चले गए थे, किंतु गोपियों का विरह कम करने के लिए उन्होंने उद्धव जी को वृंदावन भेजा था। उद्धव जी जब वृंदावन आए थे और उन्होंने जो दर्शन पाया गोपियों के हृदय में, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो अतीव प्रेम था, पूरे शरणागति का प्रेम था, उस प्रेम को देख के उद्धव जी ने यह निश्चय किया कि इसी ब्रज में मैं गुल्म लता के रूप में वास करना चाहता हूँ। गुल्म लता का रूप प्राप्त इसलिए उन्हें करना था, उससे उनको नित्य प्रतिदिन गोपियों के चरणों का वो सौभाग्य प्राप्त हो। और जैसे उन्होंने विनती की थी, उसी प्रकार उनको वो परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो इसी कुसुम सरोवर के निकट आज भी उद्धव जी गुल्म लता के रूप में विराजमान हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब षड़ गोस्वामियों को आदेश दिया था कि आप वृंदावन जाकर इन नाना तरह के लीला स्थलियों का, इन सरोवरों का, इन कुंडों का पुनः ढूंढ कर जो भी यात्री हो, जो भी भक्त वैष्णवगण हो, दर्शन के लिए आए, तो उनको सहजता से इन लीला स्थलियों का दर्शन हो। और उन षड़ गोस्वामियों ने इन लीला स्थलियों को पुनर्जीवित कर दिया। गोपियों का संदेश देने के लिए जब उद्धव जी यहाँ आए थे, उसी प्रकार भगवान जब अपने स्वधाम चले गए यादवों के साथ, तो उसी प्रकार गोपियों की तरह ही उनकी अनेक रानियों को भगवान का अति विरह होने लगा था। कालिंदी अर्थात यशोदा अर्थात यमुना जी का रूप ही कालिंदी, जब भगवान श्री कृष्ण के पट रानियों में से एक रानी है, तो यमुना जी अर्थात कालिंदी जी ने उन सारी पत्नियों को, भगवान की पत्नियों से निवेदन किया, क्या वो हमारा भी जो विरह अग्नि है उसे कम करने के लिए इसी कुसुम सरोवर के निकट हम उद्धव जी के मुख से श्री कृष्ण के बारे में लीला श्रवण करते हैं, जैसे गोपियों ने किया था और अपना विरह दाम कम किया था। तो इसी लीला स्थली पे उद्धव जी ने श्रीमद् भागवतम का गायन किया था, उन्हें सुनाया था। और जैसे जैसे सारी पटरानियां महर्षियां भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने लगी, और जिस जिस प्रकार से लीलाओं का गायन होने लगा, तो वे रानियां अपना अपने स्वरूप को इसी कुसुम सरोवर से भगवान के निज धाम में प्रवेश कर चुके। इस कुसुम सरोवर के बारे में हमने कई बार श्रीमद् भागवतम में पढ़ा होगा, सुना होगा, किंतु जब आप इस कुसुम सरोवर के निकट आओगे दर्शन करने, तो यहाँ की पवन, यहाँ का वो सुगंध आपको निश्चय ही ये सरोकार कर देगा कि वास्तव में यहाँ पे उस सुगंध का, उस प्रभाव का हमारी चेतना पे जो असर होता है, उसका आनंद हम न केवल शरीर रूप पे करेंगे, अपितु
आत्मा के रूप पे भी उसका आनंद लेंगे। इस कुसुम सरोवर के अनेकानेक संत ऋषि मुनि छत्र छाया में आज भी विराजमान यहीं पे करते हैं, क्योंकि इसके लीला का दर्शन जो नित्य वास यहाँ करते हैं उन्हें निश्चित ही होता है। भगवान श्याम सुंदर के माधुर्य तथा ब्रजवासियों का प्रेम का दर्शन यदि करना हो तो ऐसे लीला स्थलियों को निश्चित ही दर्शन करना चाहिए। आप सबके परम पावन दिन पे इस कुसुम सरोवर के दर्शन को आपके लिए समर्पित। श्री कुसुम सरोवर की जय। राधा रानी की जय। श्याम सुंदर की जय।